अभी पहुंच चुका हूं बोरीवली नेशनल पार्क में। तो ये पीछे जो जहां से मैंने टिकट लिया वो था 70 रुपये का टिकट मिला या एंट्री का। और ये रहा आगे मैप लगा हुआ, और इसमें देखो कहां कहां पे जाना है ये मैप बना हुआ, देख सकते हो काफ़ी लंबा दिख रहा है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है। तो मैं आगे चल के देखता हूँ, मुझे साइकिल लेना है क्योंकि काफ़ी दूर में फैला हुआ है, काफ़ी लंबा है, तो मुझे साइकिल लेना ही पड़ेगा। अकेले हूँ यार, तो पैदल चलने में भी नहीं जमेगा। आगे शायद यहाँ पे ना टिकट चेक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं टिकट चेक कराता हूँ। वैसे यार काफ़ी हरियाली है, देख सकते हो वो साइड में, वहाँ पे पानी की टंकी वगैरह लगा हुआ है पब्लिक को पीने के लिए। और टिकट मेरे चेक हो गया, ये यहाँ पे साइकिल के पास में आया हूँ, 80 रुपये में 2 घंटे के लिए भाई साहब दे रहे हैं। ये साइकिल ना मुझे अच्छी लगी तो मैं ये साइकिल लेता हूँ। अरे भाई साहब ये तो ये क्या लगा होगा, हाँ ये इसको स्कैन क्यों कर दो, साइकिल नंबर उधर नोट होता है। ओके 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 ओके। सो साइकिल लेने के लिए ना आपसे एक आईडी लिया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट समथिंग 300 रुपये लिया जाएगा, क्योंकि साइकिल लेके जाओगे फिर बाद में जब रिटर्न करोगे तो आपका डिपॉजिट रिटर्न होगा 300 रुपये। तो मैंने साइकिल ले लिया हूँ। अरे देख सकते हो मेरे पीछे ना जो BST बस है, साथ बस भी जाता है, पता नहीं मुझे तो आइडिया नहीं था, तो नहीं तो हो सकता मैं बस से ही जाता था। तो अच्छा है, देख सकते हो यार कितना अच्छा माहौल दिख रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारा, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले ना लास्ट तक जाऊँगा, देखूँगा लास्ट में क्या है। फ़िलहाल मैंने मैप का पिक लिया हूँ, तो मुझे ना शायद कन्वेरी गुफा ऐसा करके कुछ है, तो पहले मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा और फिर वहाँ से रिटर्न आते टाइम में सब जगह स्टॉप लेते हुए आऊँगा। और शायद मेरे पास 2 घंटे का टाइम है साइकिल रिटर्न करने के लिए, और उसके बाद 1 घंटा है, 6:30 बजे क्लोज होता है नेशनल पार्क। कैसा है? देसी बोलो। एक दो नमक डाल देना। हाँ नमक डाल।
थैंक यू अच्छा था आप 20 रुपये में फ्रूट्स एक प्लेट था अच्छा था क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लगी थी तो मैं बोला भाई कि यहाँ पे खा के देखता हूँ थोड़ा एनर्जी मिल गई है तो अभी मैं फिर से निकलता हूँ और देख सकते हो यार जितना मैं अंदर जा रहा हूँ पब्लिक उतना काफ़ी दिख रहे है और काफ़ी लोग इंजॉय करने आए हैं और काफ़ी दूर तक फैला हुआ मतलब ऐसा डर नहीं है कि क्राउड हो गए कहीं पे इकट्ठे होंगे पब्लिक काफ़ी हर जगह देखो थोड़े थोड़े पब्लिक दिख रही है तो शायद मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ यहाँ का लोकेशन देख सकते हो यार क्या खूबसूरत है ये देख सकते हो यार मैं आगे चल के ना ब्रिज पे जो ये पुल है ना वहाँ पे रुकता हूँ और फिर वहाँ से सीन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यार वाह यार देखो क्या खूबसूरत दिख रहा है और इसका ये पानी जो है कितना साफ दिख रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये लोकेशन खासकर ये ब्रिज से फोटो निकालने में भाई बहुत ही खूबसूरत आएगा देख सकते हो यार अच्छे है वो साइड में बोट जो चल रहे हैं वहाँ पे मुझे जाना है रिटर्न आऊँगा तो जाऊँगा पहला मैं आगे चल के देखता हूँ क्या यार यहाँ पे बहुत खूबसूरत चलो फिर मैं अभी आगे चलता हूँ पहला मेरा टारगेट वही है कनेरी गुफा वो भाई साहब देख सकते हो यार इतना पास से मतलब मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था हिरन को सच में यार मज़ा आ गया यार एक नहीं दो तीन है लेकिन जो दो है ना वो पीछे झाड़ी में छुपे है साइकिल से घूम रहा हूँ तो भी मैं थक चुका हूँ तो देखते हो अभी कितना दूर है ये तो भाई अरे यार वो देख सकते हो यार भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ इधर ना घर के पास में हिरन घूम रहे हैं हिरन देख सकते हो यार मतलब भाई मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा घर के पास में बकरी की तरह हिरन घूम रहे हैं यहाँ पे भाई जो ये देखने का मज़ा होता है ना अलग ही होता है अंदर घर भी यार मैं सोचा नहीं था कि अंदर घर भी होगा पब्लिक भी कनेरी गुफा जा रहे हैं चलो यार किन की भी हालत हमारी जैसी ही हो गई है काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि ना काफ़ी यार पहाड़ी जैसा टाइप है चढ़ाई है फिर डाला तो इधर तो देख सकते हो ऐसा सन्नाटा टाइप दिख रहा है यार काफ़ी बड़ा है यार मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा और अच्छा हुआ कि मैंने साइकिल लिया नहीं तो फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था ये आगे भी पब्लिक जा रही है ये लोग तो भाई पैदल ही जा रहे हैं देख सकते हो इनकी हालत क्या हुई होगी भाई कुछ लोग तो वापस भी आ रहे हैं लगता है हम पहुंच रहे लग तो रहा है भाई यहीं कहीं पास में है कनेरी गुफा क्योंकि यार काफ़ी मेहनत हो चुकी है कनेरी गुफा जाने के लिए ये क्या मैं जानता हूं
लोग काटते तो नहीं, नहीं। चिल्ला क्यों रहे हो? ओके ओके ओके, वो लोग देख रहे हैं, उनको समझ गया। ओके ओके, काफी सारे मंदिर है। कभी थक गए यार साइकिल चला के। ये देख सकते हो यार कितने सारे बंदर है, वो साइड में भी है। और इन लोग ना दुकान पे जब भी देखा मैं रुके और बनाना को कट करा रहा था इनके लिए, इनको पता चल गया कि इनके लिए ही बनाना रेडी हो रहा है। यहाँ पे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाकी लोग खाओ ना यार, क्या तकलीफ क्या है। वो बड़े की वजह से छोटे नहीं जा रहे क्या? वो तो काटने जा रहे हैं, वो डराता है क्या? हाँ डराता है। ओके ओके, लेकिन वो अभी दूसरे को तो नहीं मिला? ये तकलीफ है, सब देख सकते हो यार बंदर। खाला मुझे डरा रहे, मैंने उसको खाने को दिया और मुझे ही डरा रहे। ये देखो यार इधर भी हिरन घूम रहे हैं, देख सकते हो दो इधर भी घूम रहे हैं। सही है यार, फ्री होके मस्त घूम रहे हैं इन लोग, और ऐसा होना चाहिए कि इनको प्रॉपर जगह मिले घूमने को तो अच्छा है ना यार। मुझे काफ़ी जगह पे मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने ढेर सारे हिरन यहाँ पे है। मुझे ना कनेरी गुफा जाने को नहीं मिला क्योंकि वो आंटी से पूछा तो उन्होंने बोला कि बंद चल रहा है, तो मैं रिटर्न चल रहा हूँ अभी टाइगर सफारी के पास, और फिर टाइगर सफारी घूमता हूँ। यार इतना दूर गया यार, थक गया मैं यार, और फिर पता चला कि क्लोज है वो काफ़ी टाइम से, मतलब कोरोना जब से चला तभी से वो क्लोज ही चल रहा। तो फिर टाइगर सफारी बस से सफ़र करेंगे अभी और देखेंगे भाई टाइगर लायन कहाँ पे है। मैं यहाँ बस के पास पता करके चलता हूँ क्योंकि मुझे साइकिल रखना है, साइकिल जमा करके आता हूँ, उसके बाद फिर कैसे चला टाइगर सफारी बस में घूमता हूँ। ये जो सीन है, जो जाते टाइम रास्ते में पड़ा हुआ था ब्रिज के पास में, वो जो पुल था कितने खूबसूरत है देख सकते हो यार। यहाँ काफ़ी मतलब टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, और ख़ासकर कपल के लिए देख सकते हो मस्त इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सीन है यार, अच्छा है, चिल पॉइंट है यार। अभी हो चुका यहाँ पे देख लिया हमने, अब चलता हूँ मैं, अपना साइकिल रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है,
और वो बस वाले ने बोला था मुझे कि आधे घंटे में आ जाओ, तो मैं अभी साइकिल को जमा करता हूँ और फिर वहाँ से पैदा हूँ टाइगर सफारी बस के पास में, और फिर वहाँ घूमते हैं, देखते हैं भाई कहीं वो भी ना बंद हो यार। मतलब यार कनेरी गुफा देखने को नहीं मिला ना यार, इतना दूर मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज़ हासिल ना हो यार तो ना बहुत बुरा लगता है यार। काफ़ी दूर तक मैंने गया साइकिल चला के यार, थक गया। अभी मुझे साइकिल रख के रिटर्न आना है, अभी पैदल आना है। ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही आना है मुझे पैदल यार, 500 मीटर 600 मीटर पड़ेगा। देख सकते हो यार अच्छा नज़ारा यहाँ बहुत, लेकिन सुकून मिलता है भाई यहाँ घूमने का ना, सुकून बहुत अच्छा मिलता है, खूबसूरत। कितने पक्षी आवाज़ करती है, बंदर देखने को मिला भाई, सब कुछ देखने को मिला इधर, अच्छे लोग देखने को मिले, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग देखने को मिले यहाँ पे। तो मैं अभी पहुँच रहा हूँ साइकिल जमा करने के लिए, जहाँ से मैं साइकिल ले आता। तो देख सकते हो यार काफ़ी पब्लिक, अच्छा लगा। सोच सकते हो यहाँ पे दिन में लगभग 1000 लोग तो विजिट करते ही होंगे, वो भी अभी कोरोना का टाइम है, उसके बाद तो यहाँ पे ढेर सारे लोग आते होंगे। मैंने अपना साइकिल रख कर आ चुका हूँ और ये है टाइगर सफारी बस, और मैं चलता हूँ, पहले टिकट लेता हूँ और टिकट लेके फिर मैं चलता हूँ टाइगर सफारी का सफ़र करता हूँ। और मैं इसका जो वीडियो है ना, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है यार, लगभग 17-18 मिनट का हो चुका है वीडियो। और मैं आगे का वीडियो जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट में डालता हूँ, पार्ट टू में डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है यार। सो चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं भाई फिर अगले वीडियो में।